सोमवार की दोपहर को हुई 10 लाख रुपए की लूट के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने लूटी गई रकम में 9 लाख रुपए बरामद भी कर लिए हैं। प्रार्थी कैशियर ने खुद ही अपने भतीजे के साथ मिलकर रकम की लूट की थी। घटनागंज थाना क्षेत्र की है। सोमवार को प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ कैशियर का काम करने वाले आकाश यादव ने गंज थाने में 10 लाख रुपए लूट की FIR दर्ज कराई थी। प्रार्थी के अनुसार देवेंद्र नगर HDFC बैंक में वह 10 लाख की रकम जमा करने जा रहा था। जब वह चुनाभट्टी ओवरब्रिज के पास पहुंचा, उस दौरान बाइक सवार लुटेरे पहुंचे, नकदी से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। इस शिकायत के बाद पुलिस घटनास्थल पहुंची और इसकी जांच शुरू की गई। इधर SSP प्रशांत अग्रवाल ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ASP तारकेश्वर पटेल, क्राइम ASP अभिषेक महेश्वरी को जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। पुलिस और साइबर सेल की टीम ने कार्यवाही करते हुए घटनास्थल पर लगे CCTV और आसपास के लोगों से पूछताछ की। पूछताछ में जब कोई भी सबूत नहीं मिला तो पुलिस का संदेह पीड़ित कैशियर पर गया। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो कैशियर ने लूट की वारदात अपने भतीजे के साथ मिलकर करने की बात स्वीकार की। कैशियर ने बताया कि पिछले 3 सालों से वो प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा दी गई रकम को बैंक में जमा करने का काम कर रहा था। रुपए देखकर उसकी नीयत डोल गई थी, साथ में उसके ऊपर लाखों का कर्ज भी था और इसी कर्ज को चुकाने के लिए अपने भतीजे के साथ में रख कर लूट की प्लानिंग तैयार की। राधा कृष्ण प्रॉपर्टी डेवलपर जो गुढ़ियारी में है, इसका मैं कैशियर था आकाश यादव। उसने सूचना दिया था कि जब वो अपने कंपनी का पैसा लेके जा रहा था 10 लाख रुपए बैंक में जमा कराने के नाम से, तो जो गंज थाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे है उसी के नीचे, उसी के बगल में जो साइड रोड है वहीं पे 3 व्यक्ति थे, जो 2 व्यक्ति पहले से वहाँ खड़े थे और एक पीछे से बाइक में आया। इन्होंने उसको डरा धमका कर हाथ मुक्का से मारपीट करके उसके पैसे को डिक्की से निकाल करके लूट के ले गए हैं। इसमें 10 लाख रुपए की राशि थी। इसमें तुरंत SSP सर के द्वारा एंटी क्राइम और साइबर यूनिट को इसमें लगाया गया था और पतासाजी में लगी हुई थी टीमें। प्रार्थी से भी डिटेल पूछताछ की जा रही थी। इसके अलावा वो कंपनी के ओनर कान्हा से भी पूछताछ की जा रही थी। ACCU की टीम लगातार लगी हुई थी इसमें। रास्ते में जो CCTV फुटेज हैं उसके अध्ययन के लिए भी और बाकी चीज़ों के लिए भी, लेकिन प्रार्थी के जो कहानी बताई जा रही थी और बाकी घटनास्थल का निरीक्षण और आसपास के CCTV फुटेज के अवलोकन से और जो प्रार्थी की कहानी थी वो थोड़ी जम नहीं रही थी, तो प्रार्थी पे भी हम वो संदेह था शुरू से ही। इसके एक टीम इसमें प्रार्थी से पूछताछ के लिए भी लगी हुई थी और प्रार्थी से जब डिटेल पूछताछ की गई तो रात में इसने फिर अपनी घटना स्वयं करना कबूल किया और इसने बताया कि इसने अपने ही भतीजे जो कि नाबालिग है अभी, उसके साथ में मिलकर घटना की साजिश रची थी। प्रार्थी को पैसे की ज़रूरत थी, कर्जा वगैरह हो गया था, उसके कारण ही इसने ये राशि को हड़पने की योजना बनाई थी और लूट की झूठी कहानी बनाई थी और पुलिस को इसकी लूट की झूठी सूचना दी थी। तो अभी इसमें प्रार्थी के बताए अनुसार जो लूट की रकम थी 10 लाख में से 9 लाख बरामद कर लिया गया है। शेष रकम के संबंध में अभी डिटेल पूछताछ की जा रही है और इसमें जो आकाश यादव जो लूट का प्रार्थी था उसके खिलाफ़ में हम आगे की वैधानिक कार्रवाई उसके खिलाफ़ की जाएगी।